मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रदेश में रहने वाले गरीब किसान, मजदूर व अभावग्रस्त व्यक्ति तक सरकार की हर सुविधा सुगम तरीके से पहुंचाने के चलते आज बड़कल विधानसभा क्षेत्र में डिपो होल्डर द्वारा राशन वितरण प्रणाली को और बेहतर व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्थानीय विधायक सीमा त्रिखा ने आज निगम सभागार में क्षेत्र के डिपो होल्डर एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जनता को राशन वितरण में हो रही समस्याओं के बारे में जाना। मीटिंग में विधायक सीमा त्रिखा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देश हैं कि प्रदेश में डिपो प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी हो और लोगों को समय पर सरकार से मिलने वाली राशन सामग्री उपलब्ध हो, जिसके लिए डिपो होल्डर व खाद्य आपूर्ति विभाग आपस में सामंजस्य बनाए ताकि जनता को और बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से राशन बांटना भी एक तरह का अन्नदान के बराबर है, इसलिए ये केवल उनका दायित्व ही नहीं बल्कि एक पुण्य का काम भी है। इस मौके पर सीमा त्रिखा ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी से डिजिटल लेजन के द्वारा अधिकारी से डिजिटल लाइजेंस के दौरान रही खामियों का फीडबैक लिया और उन्हें निर्देश दिए कि इस दौरान जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनके नाम पुनः जोड़े जाएं और वह डिपो होल्डर पूरे सप्ताह आधार कार्ड लिंक करने के कार्य के साथ साथ शनिवार को अधिकारियों से कैंप लगवाकर आधार लिंक करने के कार्य को प्रगति प्रदान करें। इस अवसर पर सीमा त्रिखा ने डिपो होल्डर के सुझाव को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया और उन्हें निर्देश दिए कि वह अपनी दुकानों पर बड़े बोर्ड लगाकर कार्य करें और जनता की बेहतर सुविधाओं के लिए छुट्टी के दिन भी कुछ समय जनता की समस्याओं को सुलझाएं। वहीं मीटिंग में शामिल डिपो होल्डर ने बताया कि अब सरकार के नए नियमों के तहत मशीन से अंगूठा लगाने के बाद ही राशन मिलेगा, जिससे और परेशानी बढ़ेगी। हजारों गरीबों के राशन वितरण लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं, वह चाहते हैं कि ऐसे लोगों के नाम जोड़े जाएं। वहीं उन्होंने बताया कि वह डिपो होल्डर को मिलने वाले कमीशन से नाखुश हैं। हम समय समय पर अलग अलग जो प्रशासनिक हमारे महकमे हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनकी मीटिंग लेते रहते हैं और आज विशेष तौर से बड़कल विधानसभा में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की मीटिंग ली गई। दरअसल कुछ लोगों के जो ये डिजिटलाइजेशन जो हमारा हुआ है इसका, फूड एंड सप्लाई महकमे की राशनिंग का, तो कुछ लोगों को समस्या जो इसमें आ रही थी उन सारी समस्याओं के निदान के हेतु प्रशासनिक अधिकारियों को और डिपो होल्डर्स को साथ लेकर के, ताकि एक समन्वय सी एक बैठक हो जाए और उसमें डिपो होल्डर्स की भी बात सुन ली जाए कि उनको क्या दिक्कत है और आम जनमानस के माध्यम से जो हमारे पास समस्याएं आई और जो हम इनसे निदान करा सकते हैं, उसके लिए हमने आज इनकी मीटिंग कॉल करी है। वो जुड़ना चाहिए, सरकार ने बंद कर रखा है, सरकार भी कोशिश कर रही है जुड़वाने की। गरीब परेशान हैं बड़े राशन के लिए, क्योंकि सरकार की 1 जुलाई से मशीनों से अंगूठे से राशन बांटना है। हमारे नेहरू कॉलोनी के करीब 1200 राशन कार्ड कटे पड़े हैं बीपीएल और ओपीएच का। हम इसलिए आए हैं विधायक जी के पास, सीमा त्रिखा जी के पास, कि इन गरीबों का राशन जुड़वा दिया जाए ताकि हम इनको राशन दे दें और इनके चूल्हे जलें।